जुरतमंदाना और बेबाक मौजूद और माशर्ती अमूर को उजागर करने वाले दस पाकिस्तानी ड्रामे पाकिस्तानी ड्रामे अपनी पेचीदा मौजूद वाली कहानियों की वजह से न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि दुनिया भर में मशहूर है हमें कभी शर्मिंदा ना होने देने का सारा सहरा पाकिस्तानी ड्रामों को जाना चाहिए जिनकी बदौलत हमने कुछ ही अरसे में जरूरतमंदाना और बेबाक मौजूद के साथ पुख्ता समाजी मसायल को हल करना शुरू कर दिया है या इनके हल की तरफ मुआरे की तवज्जो मरकोज की है और इनके हल को अपने तौर पर मुआरे में जेर बहस तो लाया है और ये नया रुझान कहीं भी सुस्त होने के करीब नहीं है हमारे पास अब ऐसे बेशुमार ड्रामे हैं जो आम रोना धोना और सास बहु साजिश से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं हमने पुरानी कहानियाँ छोड़ दी हैं और अब ज्यादा से ज्यादाती अमूर पर अपनी तवज्जो मरकोज कर रहे हैं हमारे ड्रामों ने कहानी सुनाने के एक बेहतरीन और इंतहाई मतवाजन इम्तजाज के साथ ममनुआ मौजुआत को जिंदा कर दिया है हमने मामलात को हल किया है हमने अब मुआरे की बेहतरी के लिए इन टॉपिक्स को छोड़ा है जिन पर पहले बात करने की हम में हिम्मत भी नहीं थी हमारे ड्रामे समाजी ममनू कवानीन और रस्म व रिवाज को तोड़ने की बात करते हैं अगरचे कहानियों को रोमांटिक ही क्यों न बनाना पड़े और इसी तरह फरसूदा रस्मों रिवाज को ख़त्म करने पर ज्यादा तोज्जो मरकूज करते जा रहे हैं बात तो ऐसे भी मौाक़ आते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों ने मशर्ती मामला उठाए और इन्हें ऐसी ताकत के साथ हल किया जिसकी अशद जरूरत थी इससे पहले कि हम अपनी जेर बहस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएं आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो आइए नजर डालते हैं ऐसे दस पाकिस्तानी ड्रामों पर जिन्होंने जरूरतमंदाना और बेबाक मौजूद और माशर्ती अमूर को उजागर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और इसी वजह से पूरे मुल्क और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया नंबर टेन रोग ए आर वाई डिजिटल ने इस ड्रामे के जरिए से मुख्तलिफ होने की हिम्मत की रोग ने बच्चों से जाति के हसास मामले पर तवज्जो दी और इस तारीख हकीकत को जाहिर किया जो हम अपनी बेटियों और बहनों से पोशीदा रखते हैं इस जामे में मुतासर अफराद के अहले खाना की जदोजहदे में खुद को अहल बनाने के लिए इन तब्दीलियों को दिखाया गया है रोग एक ऐसा मजमून था जिस पर कभी छूना नहीं पड़ता था और बाबर जवेद ने गैर जरूरी मसाले शामिल किए बगैर इस जामे के साथ मुकम्मल इंसाफ किया था फैसल कुरैशी आसिफ रजा मीर और सुंबल इकबाल ने दूसरों के साथ मिलकर अपने मुतनाज़ किरदारों को पूरा इंसाफ फराहम किया जिसकी वजह से इस मसले को जिंदा किया गया जिसकी जरूरत पहले कभी नहीं की गई थी नंबर नाइन चुप रहो यासर नवाज की हिदायतकारी और सुमेरा फाजल की तहरीर पर मबनी ड्रामा सीरियल चुप रहो एक वाज़े और बांद पैगाम था खामोशी हमेशा जिनसी मुजरमों की हौसला अफजाई करती है सज्जन अली ने अपने ही बहनोई के जरिए छेड़छाड़ और जिस्मानी जिसमानी का निशाना बनने वाली एक खातून का किरदार अदा किया कहानी एक ऐसे टॉपिक के गिर्द घूम रही है जिसमें एक लड़की को खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है और इसे सिर्फ अपनी नाम की साख और अपनी बहन की शादी को बचाने के लिए अपने बहनोई की नजायज हरकतों को बर्दाश्त करना पड़ता है ड्रामा एक ऐसी कुल हकीकत पर मबनी था जो जमाने से हमारे मुशरे में ममनू है चुप रहो ने जिंदगी की सच्चाई दिखाई और बदसलूकी करने वालों की असलियत को दिखाया जो इनकी घिनौनी हरकतों के बाद बासानी और बाज्जत बरी होकर इंसाफ के, के चुगल से खिसक जाता है नंबर दिल तो भटकेगा एक हकीकी ममनुआ मजमून को सामने लाया एक गैर कानूनी मामला और वो भी एक औरत का ये ड्रामा एक ऐसी औरत की जिंदगी के गिर्द घूमता है जो इसकी तन्हाई की वजह से इंतहाई इंतहा की तरफ चली गई थी दिल तो भटकेगा ने एक औरत के जज्बात पर सवाल करने की कोशिश की और इसे दोबारा जिंदा महसूस करने के लिए अपनी हदूद से बाहर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई इसे अपने शोहर की तरफ से नजरअंदाज किया गया जिसको एक अदालत की पुष्ट पनाही भी हासिल थी दिल तो भटकेगा यासमीन की कहानी थी और इसके अपने ही जुर्म के साथ जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करने पर मुश्तमिल थी नंबर सेवन नाजो उर्दू वन पर यह खास ड्रामा आजमाइशों और परेशानियों के गिर्द घूमता है जिसमें एक बच्चे को जहनी बीमारी का सामना करना पड़ता है इससे इंसान की जिंदगी आ जाती है हाँ अगरचा सब्जेक्ट ममनू तो नहीं था लेकिन हमने इससे पहले किसी स्क्रीन पर डिफरेंटली एबल्ड लोगों के मसायल और ज़रूरियात को सामने लाने की हिम्मत नहीं की थी नाजो एक सनसनी खेज सीरियल था जिसने एक खानदान में डिफरेंटली एबल्ड बच्चे के मामला को इंतहाई हकीकत पसंदाना अंदाज में हल करने पर तवज्जो दी थी सोनिया हुसैन ने आज तक अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जबकि अतीका ओडू और जाले सरहदी ने अपने किरदारों के साथ इंसाफ किया खूसी जरूरत का बच्चा होना यकीन जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है लेकिन कोई किस तरह ग्रेस के साथ ऐसी सूरत हाल को दूर कर सकता है नाजो ने हमें यह सबक इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सिखाया है नंबर उड़ारी मोमिना दुरेद इस जाति से बच जाने वाले बच्चे की अनोखी कहानी का मास्टर माइंड थीं यह काम करने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही माया नाज अदाकारों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया मौजू बच्चों से बदसलूकी बच ने इससे मुख्तलिफ होने की हिम्मत भी की थी ये हकीकत कुछ पाकिस्तानी नाजरीन अभी तक कबूल करने को तैयार नहीं थे लेकिन मामला ने यकीनन एक बार फिर से नया रुख इख्तियार कर लिया और बच्चों के साथ बदसलूकी के मामले को शास्तगी और नफासत के साथ पेश किया गया और ड्रामा बनाने वालों ने टी के लिए इस कहानी को गैर हकीकी बनाने के बजाय इस मसले को हल करने पर तवज्जो दी थी उडारी में एहसन खान का किरदार इनका आज तक का सबसे उम्दा किरदार था नंबर फाइव खुदा मेरा भी है दोस्तों बात करते हैं एक और अनोखे मौजू पर बनाए जाने वाले एक मुनफरद और यादगार ड्रामे की इसमें सवाल उठाया गया था कि क्या ट्रांसजेंडर्स बच्चा होना मौशे में इसको अपनी जिंदगी गुजारने के लायक बना सकता है खुदा मेरा भी है एक तीसरे सनफ के बच्चे की जिंदगी पर मरकूज था और इस बात पर मबनी था कि किस तरह मौशे की अक्सरियत छोटे बच्चे को सिर्फ इस वजह से छोड़ देती है कि इसकी मखसूस जिन्स ना हो के एम बी एच को बिल्कुल ठीक अंदाज में गलत रसूमा का निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था हम कभी भी तीसरी सनफ पर बहस करने में राहत महसूस नहीं करते किसी ममनुआ मसले को सामने लाने के लिए शायद ये सही वक्त है कि एम बी एच एक सोचने समझने वाला सीरियल है और जब आयशा खान जबरान सईद अली खान समीना पीरजादा जैसे पावर हाउसेज अपने हिस्से के राग ठीक बजाने पर मरकूज हों तो इन्हें इस मामले को बेदार करने में कोई नहीं रोक सकता नंबर फोर समी दोस्तों जब समाजी मकसद के साथ ड्रामा सीरियल की बात की जाती है तो हम टीवी इस मामले में काफी सरगर्म रहा है फिलहाल हमारे जेर बहस आने वाला ड्रामा हम टीवी की समी है जिसमें मावरा हुसैन मरकजी किरदार में नुमाया थी सीरियल की मंसूबा बंदी वनी पर मबनी है जो बुराई अब भी हमारे माशरे में मौजूद है और सनफी तासुब की बिना पर है समी इस मसले को हल करने की जरूरत करती है कि जब तक वो मर्द को जन नहीं लेती और जब फैसला करने के लिए नाम लिहा चौधरी के हाथ में आ जाती है तो इंसानियत के कवानी कैसे नाकाम हो जाते हैं मावरा हुसैन इस ड्रामे में अदनान सदीकी और समन अंसारी दीगर अदाकारों समेत नुमाया कारदगी का मुजाहरा कर रही हैं जिसमें यह पेश किया जाता है कि मुशरे में बुराइयां फर्द को खाली हाथ क्यों छोड़ देती हैं और यहाँ तक कि वो अपने हकूक के लिए भी नहीं लड़ सकता नंबर थ्री मुकाबिल दोस्तों जब एक छोटे मासूम बच्चे को हर रोज अपने मुजरिम का सामना करना पड़ता है तो आप किस तरह इससे किसी भी अच्छे बर्ताव की उम्मीद रख सकते हैं जब एक बच्ची की असमत दरी की गई हो तो इसकी शख्सियत की परवान कैसे होगी जब इसे बमुश्किल समझ में आया कि ये सब क्या है मुकाबिल ने बच्चों की असमत दरी के हसास मसले की तस्वीर कशी की और इसके राज के मुताबिक इस लड़की ने इस जुल्म के साथ परवरिश पाई और अब किस तरह अपने असमत दरी करने वाले के बेटे से शादी करके अपना बदला लेने का अहद कर चुकी है मुकाबिल में एक मुनफरिद और इंतहाई ताकतवर कहानी बयान की गई है जिसमें कुबरा खान आसिफ और रोहिन अबास हैदर ने अदाकारी की है नंबर टू घायल दोस्तों एक लड़के ने अपने बेहतरीन दोस्त से ज्यादती की ये कैसा लगेगा अब मुआशरा मर्द और खुतिन की दोस्ती को किस रोशनी में देखेगा घायल ने असबद दरी का शिकार होने वाली लड़की की कहानी को पेश किया है और इसे अपने घर वालों की खातिर किस तरह खामोशी का मुजाहरा करना पड़ा यहाँ तक कि जब वो अपने मुजरिम से आमने सामने आ जाती है घायल यकीनी तौर पर आंखों को खोल देने वाली कहानी है और इन खातन को बेदार करने के लिए बनाया गया ड्रामा है जो अपने आप को यकता करके चलती हैं और बुराई के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करती हैं नंबर वन अल्तजा दोस्तों हम में से कितने लोग डाउनसड्रोम वाले बच्चों के आस पास आराम महसूस करेंगे शायद बहुत कम हम इनके हुकूक और लाइक फेसबुक पेजेस पर मुहिम चलाएंगे लेकिन अगर जाती तौर पर इस मसले का सामना करना पड़ता है तो तब हमारी क्या कैफियत होती है डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की ज्यादातर हमलों का इंकशाफ होते ही इसका खात्मा कर दिया जाता है तूबा सदीकी ने आखिरकार इस मौजू के साथ स्क्रीन पर वापसी की थी और एक बहुत ही मुतनाज़ मौजू के लिए तैयार हो गई थी जिसके बारे में पहले कभी भी बात नहीं हुई थी दोस्तों इन पाकिस्तानी ड्रामों ने पिछली तमाम हदूद को पामाल करने की कोशिश की और फिर भी उन्होंने संजीदा और इंतहाई पुख्ता मौजुअ के साथ क्लासिकी तौर पर कहानियों को पेश किया है हम अपनी बाहियत सनत के मशकूर हैं कि वो इस तरह की महारत और सलीके के साथ ममनु मौजुआत पर तोज्जो देती है और असमत दरी ज्यादती खूसी जरूरियात के सनसनी खेज मामला को कवर करती है तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगा कीजिएगा अगली वीडियो तक हमें दे इजाजत टेक केयर बाय